अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। हेलो मैम, सॉरी हमें आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके, बैठिए। कहाँ रह गई जया? समर, निखिल, अरे रोहित, यहाँ कैसे? कैसा है? लॉन्ग टाइम यार। अच्छा तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ यार वो अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। तूने शादी कर ली और बताया भी नहीं, और दोस्तों को भूल गया, बुलाया भी नहीं। I'm really sorry. वो यार पता क्या हुआ, जल्दबाजी में सब हो गया और सिर्फ घर के लोग थे। I'm really sorry यार। चल कोई नहीं, सो क्या पार्टी दे दे। पार्टी तू जब बोलेगा, जहाँ बोलेगा वहाँ पार्टी। तू एक काम करना, घर बुला ले और भाभी जी से भी मिला देना। तो एक काम करते हैं कि अभी तेरी भाभी मतलब मेरी वाइफ आई रही है, तो उनसे मिल लेना। तब तक बैठो। सो कैसा चल रहा है सब? बस सब बढ़िया। तुम दोनों यहाँ कैसे आज? अरे यार वो अपना तनु है ना, वो साइंस टॉपर। हाँ भाई, उसकी शादी हो गई। अरे वाह वाह। जैसा कुछ नहीं है यार, डिवोर्स होने वाला बेचारे का। डिवोर्स? अरे यार बस उसी के डिवोर्स के चक्कर में किसी लाड से मिलने आया, उसको सपोर्ट करने। सो सैड यार, हुआ थिंग। मैंने सब देख लिया है वैसे। एक सेकेंड। हाँ हेलो। हाँ बेटा आ गई? हाँ मामा। कहाँ? हाँ? मामा किधर हो आप? मैं कॉर्नर वाली टेबल पर ही हूँ बेटा, आ जाओ। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका? देखिए सत्या जी, बात ऐसी है कि नहीं, आप बोलिए। ये मेरी क्लाइंट है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये शादी के बाद पूरी तरह से चेंज हो गई। कौन सा कॉर्नर बोला था मम्मा ने? हेलो मैम, सत्या मैम वहां बैठी है, प्लीज कम। क्या बात है, भाभी जी का वेट नहीं हो रहा? आ गए बेटा, आजा आजा। माय डॉटर, क्या लोगी बेटा? बेटा मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ तो खा लो। एक काम करो, एक प्लेट ना छोले भटूरे लेकर आओ, तुझे पसंद है ना। बस 5 मिनट। कोई बात नहीं, आप आराम से करो। अच्छा समर, एक बात बता। हाँ? तेरी मैरिड लाइफ कैसी थी? मैरिड लाइफ ब्यूटीफुल यार। जया बहुत अच्छी है, सबसे अलग है। जब मैं उसे रोज सुबह उठ के देखता हूँ ना, मुझे उसे फिर से प्यार हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट, हर रोज। हाँ अब आप बोलिए। देखिए सत्या जी, बात ऐसी है कि मैं पूरे टाइम काम पे रहता हूँ और इनको टाइम नहीं दे पाता। इस बात को ये समझ ही नहीं पाती और मुंह बना के बैठ जाती है। आपका टाइम आपकी बीवी की जरूरत है, फरमाइश नहीं। मैम जब भी ये किसी बात पर नाराज होते हैं ना, तो मैं इनको मनाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर जब मैं नाराज होती हूँ तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? ये अपसेट होती है तो मैं भी अपसेट हो जाता हूँ। कैसे अपसेट हो जाते हो? अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं और उनके साथ मौज मस्ती करते हैं। समर ऐसा नहीं है, भले ही हमारा झगड़ा हुआ, अगर वो पार्टी करने दोस्तों के साथ नहीं जाता। जिस वक्त आपको आपकी वाइफ के साथ होना चाहिए उस वक्त आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं। मैम वो बस मूड ठीक करने के लिए कई बार चला जाता हूँ। तो आपकी वाइफ के मूड का क्या? आप अय्याशी करो और ये घर में बैठी बैठी रोए। यार तरुण की सीरियस प्रॉब्लम लग रही है, तब इतना टाइम लग गया। यार देख, प्रॉब्लम वहीं होती है जहाँ गलतफहमी होती है। यार हस्बैंड ना दोस्तों के साथ मिलकर दुख बांटते हैं और इन बीवियों को लगता है कि हम पार्टी कर रहे हैं, हम ऐश कर रहे हैं। सुनिए, ये हमारा ऑर्डर नहीं है। अरे भाई ये इनका ऑर्डर नहीं था सर, सॉरी सर, सॉरी, ये किसी और का ऑर्डर था, गलती से आपके पास आ गया, मैं चेंज कर देता हूँ। अरे सुनिए, इन छोले भटूरे को यहीं रहने दीजिए। इफ़ यू डोंट माइंड, वो क्या है ना, मेरी वाइफ को ना छोले भटूरे बहुत पसंद है, वो इसे देख के बहुत खुश हो जाएगी। इफ़ यू डोंट माइंड, आप जिनका ये ऑर्डर है उनको तो सलाह दीजिए प्लीज़। जी सर। देख रहा है समर को, बड़ा प्यार आ रहा है। तुम्हें कोई एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी परेशानी हो तो मुझे फोन करो। मैम मैं इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहता हूँ, प्लीज मैम। इसकी लाइफ बर्बाद हो गई, इसकी लाइफ इसे दोबारा मौका नहीं देगी। मैम मुझे सच में इसके साथ रहना है, प्लीज मैम मत कराइए मेरा डिवोर्स। तुम्हें इसके साथ रहना है पर इससे नहीं। नेक्स्ट वीक हम केस स्टार्ट करेंगे। मम्मा मैं 2 मिनट में। हाँ बेटा। मतलब तुम दोनों के हिसाब से शादी मतलब समाधि। शादी समाधि। जिस वक्त आपको आपकी वाइफ के साथ होना चाहिए उस वक्त तुम अपने दोस्तों के साथ होते हो। आप अय्याशी करो और ये घर में बैठी बैठी रोए। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे जया, जया मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, कहाँ थी तुम? ये मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं निखिल, रोहित, और ये तेरी भाभी जया, मेरी वाइफ। अच्छा सुनो ना, मैंने ना ये छोले भटूरे मंगवाए थे, वो ना गलती से किसी और के छोले भटूरे ले आया, तो तुम्हें पसंद है तो मैंने कहा यहीं रख दे। अच्छा चलो चलो छोड़ो, बैठो ना प्लीज। अपने दोस्तों को दिखा रहे हो कि तुम कितने लविंग और केयरिंग हस्बैंड हो। दिखा रहा हूँ मतलब मुझे घर बैठा कर यहाँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो और मैं अचानक से आ गई तो बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। नहीं मैं ये तो अचानक से दोनों मिल गए, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। झूठ मत बोलो समर, सब समझ में आता है मुझे। अपने दोस्तों के इसलिए बुलाना ताकि उनको ये बता सको कि अपनी बीवी से कितने परेशान हो, शादी से कितने दुखी हो। नहीं जया ऐसा नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था। सही कहती है मम्मा, तुम सब मर्द ना एक जैसे ही होते हो। तुम लोग मौका ढूंढते हो कि कब बीवी से झगड़ा और कब आके तुम लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करो। सही कहती है मम्मा, हम औरतें तो अपनी सास की इतनी बुराई नहीं करते जितनी बुराई तुम मर्द हम बीवियों की कर देते हो यार। सही कहती है मम्मा, तुम मर्द मौका ढूंढते हो कि कब झगड़ा और कब बीवी उठ के मायके चली जाए, और हमारी बुराई करते हो कि हम बार बार मायके चली जाती है, बल्कि तुम अंदर ही अंदर खुश हो। नहीं जया लिसन, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज देने के लिए आया। सरप्राइज? हाँ दे दिया ना सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे समझ। शादी मतलब समाधि? अरे वो तो हाँ, क्या सोच है तुम्हारी, अब तुम समाधि में ही रहो। मैं मम्मा के साथ ही थी। जय मेरा जय मैम। कुछ नहीं होता है समर, तू पानी समर कैसा है? All good, long time. Yeah, long time. अरे इतना दुखी क्यों है तू? क्या तेरी बीवी भी तुझे छोड़कर भाग गई? छोड़ के नहीं गई है, झाड़ के गई है। चल छोड़ना यार समर, अब भाभी की बातों को बुरा मत मानो। तू तो फिर भी अपनी वाली को मना लेगा, लेकिन मेरी वाली वो तो हाथ से ही गई। एक तो पहले उसकी माँ कम नहीं थी और ऊपर से ये डिवोर्स लॉयर जो तलाक कराने में लगी पड़ी है, उसने उसको अपनी दूसरी माँ बना के रखा हुआ है यार। सही कहती है मम्मा, सब मर्द ना एक जैसे ही होते। सही कहती है मम्मा, हम औरतें तो अपनी सास की इतनी बुराई नहीं करते जितनी बुराई तुम मर्द हम बीवियों की कर देते हो यार। अगर माँ की ही सारी बातें माननी है तो शादी करने की जरूरत क्या है? ये तू बता समझ, ठीक है या नहीं? वो देख वो जा रही है मेरी बीवी की दूसरी माँ, उसकी डिवोर्स लॉयर। हाँ जी हाँ, कहाँ हो तुम? मैम एक्सक्यूज मी। समर कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ना यार। ऐसे कैसे शादी? अरे समर सुनना, अरे छोड़ना यार, मान जाना यार। आपको लोगों का घर तो सुनना समर, ये भी डिवोर्स कराएगा तू? अरे यार रुक, मैं बात कर रहा हूँ ना भाई। हम तो बोल सकते हैं, ये तो कोर्ट में बोलेंगी। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं आप मुझे एक बात बताओ कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका एक ही सोल्यूशन है, डिवोर्स। पत्नी की बात सुनी नहीं की करवा दिया डिवोर्स। कभी हम पतियों की भी तो बात सुन लिया करो। हम भी तो ऐसा बोल सकते हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती है, छोटी छोटी बातें मुंह फुला लेती है, छोटी छोटी बातें मायके चली जाती है। हम तो ऐसे कभी नहीं बोलते, हम प्रॉब्लम को ही प्रॉब्लम बोलते हैं, शादी को प्रॉब्लम नहीं बोलते कि डिवोर्स ले और सब खत्म। दूसरों का घर तोड़वाने में लगी रहती हो। और कुछ माएँ तो ऐसी होती है कि बेटी का फोन आया नहीं, कुछ समझ नहीं आया, बट हाँ बेटी, हाँ तू घर आ जा, हाँ तू मायके आजा। अरे क्यों आजा? छोटी छोटी बात पे मायके क्यों आजा? ना खुद कुछ समझती है ना अपनी बेटियों को कुछ समझाती है। माँ कम स्पोर्ट्स चीजें ज्यादा लगती है मुझे। सीटी बजाती है बेटी मायके, फिर सीटी बजाती है बेटी फिर से मायके। अरे क्यों मायके? जब मायके जाना था तो शादी क्यों की? आप एक बात बताओ, मेरे दोस्त का घर तुड़वा के ही मानोगी क्या? अरे नहीं यार, जो गलत है सो है। जया, वो कुछ भी मत बोलो सर, सब सुन लिया मैंने फोन पर। जया, आई एम रियली सॉरी। वो मुझे लगा कि कोई और है। हाँ वो कैसे बात कर सकते हो सर? जया वो मेरा, ऐसा सोचा ही कैसे? जया वो मेरा दोस्त है। समझ मम्मा, सुनिए माँ। जया तेरी मम्मी है? नहीं माँ, माँ नहीं, मेरी सासू माँ है। हाँ? अरे जया आ बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? हे भगवान, फिर से घर छोड़ के आ गई। ये सामान अंदर रूम में रख दीजिए। देख सत्या, तेरा रोज रोज जया को मैके ले आना ठीक नहीं है। ऐसे तो बेटा बात बिगड़ जाएगी और देर भी नहीं लगेगी। नानी, मम्मा मुझे नहीं लाई है, मैं खुद आई हूँ। सोच भी नहीं सकते कि चाहिए। आपको पता है समर ने क्या किया? क्या किया बेटा? उसने ना आज जो मैं बताता हूँ। वो क्या हुआ ना कि मैं करने कुछ और गया था और कुछ और ही हो गया। माँ, I'm really sorry, मुझे नहीं पता था कि आप हो वहाँ पे। वो मैं बस अपने दोस्त को लेके थोड़ा सा कंसर्न था। मान लिया कि तुम्हें ये नहीं पता था कि वो मम्मा है, पर ये तो पता था ना कि कोई लेडी है, उम्र में बड़ी है। तुम किसी से कैसे बात कर सकते हो समर? यार मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मेरा फ्रेंड है ना तरुण, वो थोड़ा स्ट्रेस में था। तुम भी मुझे इतना कुछ सुना के चली गई तो मैं भी स्ट्रेस में आ गया था। सारा स्ट्रेस तो तुम लड़कों को ही होता है, और स्ट्रेस में अपने दोस्त याद आते हैं, बीवी आती है। चाहे मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था। मेरी बात तो सुनो कम से कम। कुछ नहीं सुना। यहाँ जो किया ना। चाहे लिसन, जया प्लीज दरवाजा खोलो। जया प्लीज ये सब मत करो। जया ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात समझो। तुम मुझे बस एक मौका दो, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दूंगा। जया प्लीज बस एक मौका, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। जया बस एक बार। माँ वो अभी गुस्से में है, दरवाजा नहीं खोलेगी। माम, I'm really sorry, बट मुझे सच में नहीं पता था कि आप थे वहाँ। प्लीज आप मुझे गलत मत समझो, प्लीज। मुझे पता है बेटा कि तुम्हें गलतफहमी हुई थी, इसलिए मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन जया अंदर ऐसे। उसे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, चाय लोगे या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उसका एक ही सोल्यूशन है, डिवोर्स। पत्नी की बात सुनी नहीं की करवा दिया डिवोर्स। कुछ माए तो ऐसी होती है कि बेटी का फोन आया नहीं, कुछ समझ नहीं आया, बट हाँ बेटी, हाँ तू घर आ जा, हाँ तू मायके आ जा, अरे क्यों आ जा। जया समर चला गया है, दरवाजा खोल बेटा। भी गलत किया, अब तो उसने आपको भी इतना कुछ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात कैसे नहीं, आज तक मैंने किसी को आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलने दिया। मेरे ही पति ने आपको उल्टा सीधा सुना दिया, मतलब मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो कितना बुरा लगा होगा माँ? मुझे बुरा नहीं लगा बेटा, मुझे आदत है ये सब सुनने की। जिस माँ की जवान बेटियां घर लौटा है उसे दुनिया के ताने सुनने की आदत होती है। बुरा लगता है तो सिर्फ एक चीज का, अपनी बेटी के आंखों में आंसू का। अगर तू चाहती है ना कि मुझे बुरा ना लगे, चल अपना मूड ठीक कर ले। उसे नहीं पता था कि वो मैं हूं। इतना मत सोच उस बात के बारे में बेटा। देख, तुझे नहीं जाना था, तू नहीं गई, बस बात खत्म। अब उदास मत हो, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ।